व्हाट द हेक कटाना 35,000 का, लेकिन ये बेस्ट शेयर ड्राइवर है। बेस्ट कैसी है गाड़ी? ये तो ओके। Hey guys, good morning. Welcome back to a new vlog. Finally, पहुंच चुके हैं अपने घर पे और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा व्लॉग यहाँ अपने रूम से, पुराने रूम से। और गाइज आज ना बहुत सारे कामें करने को, मैं लगभग 18-19-20 दिन के बाद घर आया हूँ। हमारा जो दूसरा घर बन रहा है जहाँ पे मेरा रूम बन रहा है, पूरा घर बन रहा है, वो भी जाके देखना है कि कितना काम हो गया ऑलमोस्ट उसमें। मेरे को लगता है कि थोड़ा थोड़ा काम भी बचा है, तो मेरे को जाके देखना है कितना रूम मेरा बन चुका है। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कितना रूम बन चुका है, और बहुत क्रेजी रूम होने वाला है वो, तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। बहुत ही मस्त वाला रूम बन रहा है मेरा, तो वो भी देखना है। बट फिलहाल उससे पहले सनी और मम्मी को उनका गिफ्ट दे देते हैं एंड उनके मस्टैंग भी दिखानी है उनको, तो मस्टैंग भी ऑन करेंगे। एंड आज ना मस्टैंग को लेके भी जाएंगे यहाँ पर पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए कि मस्टैंग कैसी लग रही है, लोगों के पब्लिक रिएक्शन कैसे आ रहे हैं मस्टैंग के ऊपर, तो घर वालों को भी दिखाएंगे एंड पब्लिक रिएक्शन भी लेंगे। आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो देखते रहो इस व्लॉग को एंड देखते क्या क्या होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो सनी को गिफ्ट दे देते हैं उसका, जो कब इसके लिए लेकर आया, जो कब इसके लिए लेके आने वाला था वो तो नहीं ला पाए क्योंकि अब गोवा चले गए थे, फिर वहां से सीधा घर आना पड़ा। क्या तो लाने क्या वाला था? निंटेंडो लाने, वो वाला लाने, निंटेंडो स्विच। अरे यार हां, चलो बट मेरे को चाहिए था वैसे। इसके अंदर क्या है? क्या है? आंखें बंद कर ले, ये वाला मेरे ऐसे। हां आंख बंद कर ले, अपने हाथ ऐसे रख ले। चलो क्या हो गाइस, क्या कर, 1 2 3 नहीं व्हाट द हेक। गाइस सनी को बहुत पसंद है। कैसी लगी ये चीज? कटाना। ओ भाई साहब, इधर आओ। ओ व्हाट द हेक, ऐसे नहीं खोलते भाई इसको। ओ भाई कैसा लगा गाइस, सनी का जो नया रूम बन रहा है वहां पे इसको रखनी थी, बहुत टाइम से मांग भी रहा था और मेरे को दिख गई, तो मैंने सोचा इसके लिए ले लेते हैं। एंड अभी अपने रूम यू शैल बाउ टू मी, तो अभी अपने रूम में इसको सजा के भी रख सकता है अपने रूम के अंदर, ठीक है ना भाई साहब? सही है, उसमें और भी कलर थे लेकिन ये सबसे बेस्ट था, बाकी सब बेकार थे। कितनी तगड़ी है ये गाइस, खतरनाक भाई। गाइस तो मैं मंगाने वाला था इसको। सनी को एनीमे वगैरह पसंद है। आप लोगों ने अगर व्लॉगिंग सीरीज पूरी फॉलो की है तो आपको बताऊंगा मैं एनीमे वाली शॉप में गया था। अब सनी का नेक्स्ट गिफ्ट है, उसको खोल लेते हैं। एक और भी है? हाँ एक और भी है, चलो भाई। एक दो, क्या ये? एक दो, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर यार आंखें। ओके गाइस, सनी का सबसे पहला गिफ्ट मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। पहला गिफ्ट? हाँ दूसरा, सॉरी, हाँ मतलब इन छोटे गिफ्ट्स में। चलो तो गाइस ये है एक रिंग जो कि है एनीमे की, पता नहीं कौन सी रिंग है, शोरिंगान शोरिंगान कुछ होगी भाई। और एक और रिंग है, ये भी एनीमे की है। ये क्लाउड है उसका, क्या बोलते उसको, गुकू का क्लाउड है। गाइस ये है एनीमे की रिंग्स। उसके बाद एक और खतरनाक चीज जो कि सनी को बहुत पसंद आ सकती है शायद। क्या है, क्या है, क्या ये? ये है एक छोटी लड़का, इसके पास बड़ी वाली है गाइस, इसके पास बड़ी वाली है, उसी का छोटा वर्जन मेरे को मिल गया था भाई। वो भी एकदम छोटू सा, इसको अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब टेबल पे रख सकते हैं। इसको बताता है, शाबाश शाबाश। अभी एक और चीज, एक और चीज, चलो एक और चीज, एक और चीज। ये मेरे को भाई बड़ी सही लगी भाई ये वाली रिंग। ये है गाइस, सनी के पास कोई वॉलेट नहीं था तो नरूटो का एनीमे का एक वॉलेट। क्या भाई इसका अकात्सुकी का नरूपरू होगी क्या, वॉलेट का क्या करूंगा भाई इसके। सनी के पास कोई वॉलेट था ही नहीं आज तक, तो मैंने सोचा कि एक वॉलेट ना, वैसे मैं वॉलेट यूज कर रहे नहीं वाला, बट चलो ये तो अच्छी बात है भाई। सब मिला के देख, पूरा एनीमे एनीमे हो गया भाई, पूरा एनीमे की चीज है। अभी गाइस लास्ट चीज, लास्ट 1 2 3 इसमें है एक फिजिट स्पिनर, फिजिट स्पिनर और एक बैंड, एक वो है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, एक तो है भाई। ये दिखा देते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, रिंग भी, एक और, हाँ एक और रिंग भी है इसमें, पूरा का पूरा सेट है ये देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो पहले तो फिजिट स्पिनर, वो कितना कूल है गाइस ये। ओके नरूटो का, वो भाई वेपन है, उसके बाद ये वेपन है, ये शुरुकिन क्या बोलते इसको, ऐसे ही कुछ बोलते हो। उसके बाद ये है कोई बैंड, ये बैंड है हाथ के लिए, बैंड है ठीक है। और एक और ये वाली रिंग है भाई साहब। तो गाइस ये सब चीजें भाई, मैं तो भाई लखपति बन गया भाई, ये सारी चीजें लेके आ चुके हैं सनी के लिए गाइस। कैसी लगी तेरे को? बहुत तगड़ी भाई, ये सबसे खतरनाक चीज है भाई। अरे ये बता तेरे को कैसा लगता है ये लाना है? तो गाइस सनी को तो सनी का गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गया, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, वाह 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 वाह। तो गाइस अभी मम्मी का गिफ्ट लेके आ चुके हैं, इसका जो बैग है वो तो ला नहीं पाया मैं, लेकिन इसके अंदर है मेन आइटम और ये है डैमिल, पता नहीं एक फेमस ब्रांड है ये जिसके ये होते हैं चीजें।
अब खोल के दिखाते हैं मम्मी को, और मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं वो। ये भाई मम्मी के लिए तो लिख के ले लो, इसने बहुत महंगी कोई चीज ली होगी, लिख के ले लो। चलो तो इसको पता है ना किसकी। तो ये है एक बैग, है बैग। कैसा लगा? कौन सा है ये बैग? अच्छा लाया बेटी। कैसा लगा ये बैग? सुंदर है। कितने का होगा ये? पता आपके हिसाब से कितने का होगा ये? पता क्या बेटू, ये होगा महंगा। पता नहीं गाइस, ये कम से कम 10-15 हज़ार का तो है, ये 10-15 हज़ार का है। 15 हज़ार अच्छा लाया मैं बच्चे। गाइस कैसा लगा बैग आप लोग बताओ। तूने मेरे को क्यों नहीं बताया कलर? तुम्हें कलर पसंद नहीं है? कलर तभी तो मम्मी नॉर्मल कलर लेती थी ना, ब्लैक और ब्राउन, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लेके जाते गाइस। और डिफरेंट कलर बेटू लग नहीं रहा मेरे को। अच्छा डिफरेंट कलर है, थोड़ा डिफरेंट अच्छा लगेगा भाई। मम्मी को पसंद अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। ये व्हाइट क्रीम ले आता, व्हाइट देखो गाइस अभी लेकर भी आया था, पेंट ड्रामा कर रहे हैं। और मेरे को कोई नहीं, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, पसंद है। पर चलो भाई मैं तो खुश हूं भाई, देख रहे हो मतलब अपने गिफ्ट मिले तब भी खुश नहीं हो रहे, गिफ्ट नहीं मिले मैं तो भाई बिल्कुल खुश हूं भाई, सर्टिफाइड आदमी हूं भाई मैं तो बिल्कुल। पर कलर नहीं है मेरे को पसंद। कोई ना गाइस अगर ट्राई हुआ तो मैं इसको और चेंज भी करवा सकते हैं, देख लेंगे। कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। तो गाइस नेक्स्ट आइटम हमारे पास, मैंने एक एप्पल का अपने लिए ये लिया है केस, बहुत मस्त सा केस है, इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके गाइस ये है अपना केस, ब्लैक कलर में, बहुत ही मस्त। मेरा कॉपी भाई, मेरा कॉपी ऐसा सही है, मैंने सोचा मेरे लिए भी ऐसा सही है, बहुत मस्त है ये। इसको रखते हैं साइड में, बट अभी मेन चीज तो इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं गाइस। ये जो मैंने लिया था आप लोगों को व्लॉगिंग सीरीज जो देख रहे थे उनको पता ही होगा ये क्या चीज है। ओके इसको अनबॉक्स करते गाइस फटाफट से। ओके गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारे पास हमारा रग, जॉर्डन का रग। जॉर्डन का रग है ये, मैंने आपको बताया भी था हमारे नए रूम के लिए लेने वाले हम लोग ये। और ये कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाता है, जूते के ऊपर जूता, जूते के ऊपर जूता, और जूते के ऊपर जूते को मारने वाला, काफी प्यारा है ये। चलो अभी गाइस सबसे महंगी चीज, कल मैंने ये चंडीगढ़ में खरीदी थी लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था, और ये है डायसन का एक हेयर ड्रायर जो कि मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था, लेकिन नहीं तूने लेकिन मैं सोचा था ये डब ये बस इसमें वो होगा, ये मैं नहीं, ये क्यों लिया। ये हेयर ड्रायर बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और मैं कब से यूज कर रहा हूँ, 700-800 रुपए वाला हेयर ड्रायर, एक साल से। वो खराब भी हो गया था, उसको फिर से जोड़ दिया था, लेकिन हेयर ड्रायर ना हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन ये वाला जो हेयर ड्रायर है ये बोलता है कि ये इसका जो एयर है मतलब जो ये करता है बोल बालों को डैमेज नहीं करता, तभी इतना महंगा है। ये भी नहीं है भाई, मैंने जिंदगी में अपने हेयर ड्रायर नहीं के बाल, ये कितने का होगा, कितने का होगा गेस कर, कितने का होगा? मेरे 1 लाख से ऊपर होगा, लिख के ले। नहीं सस्ता है, सस्ता है 50 से नीचे, 40 उससे सस्ता है, 30 तक का, 35,000 का। लेकिन ये बेस्ट हेयर ड्रायर है, बेस्ट एकदम, सारे सेलिब्रिटीज मतलब जितने भी होते हैं, क्या सेलिब्रिटीज का काम नहीं कर लेना यूज करते हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हेयर ड्रायर यूज करता हूँ, सिर्फ इसलिए लिया है, मैं ज्यादा यूज करता हूँ ताकि हेयर ज्यादा डैमेज ना हो इसलिए। लेकिन ये बहुत भारी भी है, अब इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं 35,000 का हेयर ड्रायर कैसा होता है। मेरे को लेना तो ये बहुत टाइम से था, लेकिन फिर सोचता था इतना महंगा क्या करना है, क्या करना है, बट फिर कल मुझे दिखा तो मैंने सोचा चलो लेकर जाते हैं इसको। अभी फिलहाल के लिए इसको ओपन कर लेते हैं। भाई मेरा वो यूज कर रहा है ऊपर से साला। चलो देखते हैं कि है कैसा, इतना पैसा तो ले लिया है हेयर ड्रायर, देखते हैं जरा कैसा है। लेकिन मैंने हाँ ये यूज भी किया था सैलून में, मेरे को तो बहुत मस्त लगा था, तो मैंने सोचा ट्राई करेंगे। चलो ओके गाइस अनबॉक्स हो चुका है, लेकिन ये क्या इतनी बड़ी सी चीज है मुझे अच्छा, ये इसका बैग है भाई, कितनी खतरनाक है। इस पैकिंग तो इन लोगों ने बहुत खतरनाक दी है। ओके गाइस फाइनली लग रहा है किसी एंगल से कि हेयर ड्रायर भाई कुछ खतरनाक ही पैकेजिंग दी है। भाई जैसी लग रही है भाई, भाई कसम से एक बार फील करके कैसा मस्त वाला बैग यार, मतलब लग रहा है। हाँ यार पता है ज्वेलरी बॉक्सेस के होते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं ना, तो ये है अपना हेयर ड्रायर। मैंने ये कलर लिया, पिंक कलर में भी आता है, लेकिन पिंक तो मेरे को चाहिए नहीं था, वो तो लड़कियों का कलर है। इसमें ये मिलता है एक तो अलग अलग वो अपने ये कैसा है, ये 6 इसके आर पार। हाँ बिल्कुल वही तो यूनिक है ना, बिल्कुल एकदम इससे हवा कैसे आती होगी, तो वही बिल्कुल यूनिक है गैस ये। और इसको यहाँ पर रख लेते हैं, इसके अंदर अपने ये क्या चीज होगा, इसकी वायर है, प्लग है एक, ठीक है एक बार खोल के आपको ये भी दिखा दूँगा। इसको तो यूज करके भी अमीरो वाला फील आएगा भाई। ये है नहीं, काफी प्रीमियम है गाइस, पकड़ने में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ खर्चा है पैसा। ये पता नहीं क्या चीज है, अच्छा ये हैंडल लगता है, नहीं मेरे को लग रहा है अलग अलग बालों को स्टाइल करने के लिए कुछ, ये नहीं बाल स्टाइल के लिए लग रहा मेरे को। अच्छा हाँ बाल स्टाइल के लिए, एक और भी है ये लड़कियों के लिए होगा भाई, वो ऐसे कर रहे बाल घुमराले घुमराले करने के लिए। हाँ ये सब वही चीज है ये, और बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी ये सब चीज है। तो यही है, इसको हेयर ड्रायर को मैं यूज करके भी आपको बाद में दिखा दूंगा। बाकी अभी
हम लोग जाने वाले हैं मस्टैंग दिखाने के लिए। मस्टैंग सनी ने देखी नहीं है, मस्टैंग नहीं देखते हैं। सनी को मस्टैंग देखना है, मम्मी को मेरे को कुछ नहीं पता कलर कुलर क्या है, कुछ नहीं मेरे को एक चीज नहीं पता। मस्टैंग दिखाएंगे, अमित को भी दिखाएंगे, सबको दिखाने वाले मस्टैंग का रिएक्शन देने वाले। अभी रात में दिखी थी लेकिन अच्छे से देखी नहीं थी उसने, रात में तो दिखती नहीं है लेकिन अब दिन में दिखाएंगे सबको कैसी है और पब्लिक रिएक्शन भी लेंगे आज। ओके भाई लोग, अभी आया हूँ मैं हमारा नया जो रूम है वो देखने के लिए एंड आपको थोड़ी झलक दे देता हूँ। सनी भी है ये पीछे, अभी काम चल ही रहा है, अभी भी इसमें मतलब एक महीना और लगना है। फेब पूरा, अभी जनवरी के एंडिंग है, लास्ट के कुछ 8-10 दिन बचे हैं, फेब में ये पूरा एंडिंग तक में कंप्लीट हो जाएगा, एक महीना और लगेगा। बाकी काम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन जब रूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, कसम से गाइस, सनी का भी रूम, मेरा भी रूम, ड्राइंग रूम, सारे रूम भी, मतलब पूरा जो घर ही है वो बहुत अच्छा बनने वाला है पूरा एकदम। मतलब आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार कुछ काम करवाया है, एंड इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया और टाइम भी कितना टाइम होगा इसको बनते बनते, 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं इसको काम को चलते हुए, 7 महीने से काम चल रहा है। बट गाइस पूरा का पूरा जो रूम है ना पूरा चेंज हो चुका है, अभी तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा इसे देखोगे तो, बट जब कंप्लीट होगा ना रूम टूर वीडियो आएगा तो गाइस बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला आप लोगों को, गेमिंग प्लस सारा मतलब मस्त एकदम रूम बनने वाला है। मेरा पूरा गेमिंग पे भाई, मेरा सनी का तो पूरा गेमिंग पे ही है। तो गाइस अभी देखते हैं, एक महीना और वेट करना पड़ेगा। इसका ब्यूटीफुल है बहुत ज्यादा, हाँ बहुत प्यारा होने वाला है। इसके कमरे में रोशनी है ना, मेरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ है, अंधेरे से भरा, इस तरफ बड़ी सी एकदम विंडो है। लेकिन गाइस रूम बहुत मस्त बनने वाला है, बस थोड़ा सा वेट करिए। एंड बाकी फिलहाल के लिए अभी जाते हैं सनी को मस्टैंग दिखाने के लिए, देखिएगा चलो गाइस सनी को मस्टैंग दिखाते हैं। ओके भाई लोग, अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं मस्टैंग को यहाँ पर दिखाने के लिए, मम्मी और सनी को ऊपर गए हुए, नीचे आने वाले थोड़ी देर। मानव को भी दिखा दी, कैसी लग रही है गाड़ी? भाई गाड़ी एकदम बम लग रही है, खतरनाक लग रही है, खतरनाक बहुत। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो गाड़ी को कुछ इस तरीके से खड़ा कर दिया है एंड ये देखो भाई क्या लग रही है, खतरनाक। वो लोग भी आने वाले लिफ्ट से नीचे अभी थोड़ी देर में ही, तो सनी का वेट कर रहे हैं, उनको दिखाएंगे गाड़ी एंड लेते हैं उनके रिएक्शन। ओके भाई लोग आने वाले हैं वो लोग, मम्मी और सनी आ रहे हैं दोनों के दोनों नीचे, और ये आ गए आ गए आ गए, जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। कैसी है गाड़ी? ये तो ओपी। कैसी लग रही है गाड़ी? ये भी करवाया अलग इसमें, इसमें ऑरेंज कलर हो गया है पूरा का पूरा, और सिल्वर और थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा है, और पूरा ये प्रिंटेड है पूरा का पूरा। अच्छा लग रहा है ना, पुराना कलर है ना ये? हाँ पुराना कलर है पूरा का पूरा ऑरेंज। आप लोग भी कमेंट करके बताओ, मैंने कल वाले तो पढ़े नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी गाड़ी। ओके भाई लोग, तो हम लोग निकल रहे, बस इसमें ना एक दिक्कत है, कल ये पीछे वाला जो टायर है इसका उसमें हवा नहीं है, तो वो भी भरवानी अपने को। और सब लोग अभी बैठ रहे, सनी भी आज आगे बैठ रहे, सनी भी हम नई गाड़ी में बैठेगा, और बाकी पब्लिक रिएक्शन हम लोग कल लेंगे, आज लेट हो चुके हैं पब्लिक रिएक्शन, आज तो मस्त आएंगे नहीं, आज चलो कहीं अच्छी जगह पे, अच्छी जगह पे घूम लेते हैं, कल पब्लिक रिएक्शन लेंगे इसके, कल बढ़िया से दिन में जाएंगे। ओके गाइस फिलहाल के लिए हम लोग भरा रहे हैं यहाँ पर गाड़ी में हवा, और गाड़ी की हवा कम होगी तो मैंने आपको बताया भी था, उसके बाद चलते कहीं पर खाने के लिए। गाइस अभी हम लोग एग्जॉस्ट सुनाने वाले हो गया, गलती से ट्रिप पे डालना था, स्पोर्ट्स मोड में हो गया भाई, नजारा भी उतना खतरनाक आ रहा है ना। बस भाई स्पोर्ट्स मोड में गाइस पूरा चीर चीर देती है गाड़ी, इसलिए मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाता नहीं हूँ गाड़ी, और एग्जॉस्ट की साउंड भी गाइस अलग ही लेवल की हो जाती है जब स्पोर्ट्स में। ओ भाई ओए मत चलो मत करो सही नहीं पता, बहुत हाथ लोकेश की गाड़ी में बैठे हैं तो इसका क्या हाल होगा, लोकेश की गाड़ी में तो पागल हो जाएगा, चलाए भी लोकेश, लोकेश चलाएगा लोकेश की गाड़ी में फिर तो तू पागल हो जाएगा भाई, वो तो कुत्तों की तरह चलाता है गाइस गाड़ी, कुत्तों की तरह, मेरी स्पीड में बहुत फटती है भाई, बहुत ज्यादा स्पीड में फटती है मेरी। गाइस अभी हम KFC आए थे, एंड अभी हमने ना गाइस एक चीज ट्राई की जो यहाँ पे KFC पे एक न्यू चीज आई, और वो था भाई ये चिकन पिज्जा, जो कि भैया ही बताएगा तेरे को कैसा है। मैंने नहीं खाया भाई, तुमने खाया? हमने खाया। मानो भाई कैसा था? स्वाद था भाई, मतलब
ठीक था, एवरेज था, ज्यादा अच्छा मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगा। और भैया अपना मैं तो बोल ही रहा था इन लोगों मत खाओ ये, भाई ये पता है क्या, जिम के लिए ये फास्ट फूड खा रहा है और अब ये सोच रहा है कि ये खा के इसका वेट गेन हो जाएगा। सिर्फ आज कल से प्रॉपर जिम, मैंने तो गाइस ऑलमोस्ट एक दो महीने से कुछ भी ऐसे टाइप की चीज़ नहीं खाई, मतलब बहुत कम कम खाता हूँ, मैं जब भी खाता हूँ बहुत कम, चीट डे एक तरह से। और ये देखो सर ये भी हाँ बोल रहा है, देख रहे हो ना। हे गाइस व्हाट्स अप, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जिम एंड काफ़ी टाइम के बाद 19 या 20 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ जिम। देखते हैं आज का वर्कआउट कैसा होता है। अभी एक एक्सरसाइज तो मैंने की है, हालत ख़राब हो गई है पूरी की पूरी, बट 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं लगता हूँ नॉर्मल हो जाऊँगा, जैसे पहले एक्सरसाइज करता था, दिक्कत नहीं आएगी, बट 3-4 दिन तो शायद दिक्कत आने ही वाली है। बाकी आप लोग देखो एक्सरसाइजेज एंड एंडिंग में देखेंगे मेरी क्या हालत होती है। बाय। ओके गाइस, तो अभी जिम से घर पहुंच चुका हूं एंड यहां के नज़ारे देखो जरा एक बार। यहां पे सनी गेम खेल रहा है, नहीं सनी वीडियो बना रहा है अभी अपनी, और एक दो घंटे से इसकी वीडियो बनी नहीं है, 2-3 घंटे से। और अमित खेल रहा है गेम। यार भाई कसम से मेरे गेम पता क्यों नहीं बन रही मेरी वीडियो, पता 3 घंटे हो गए, कल भी सेम यही चीज हुई मेरे साथ। इस बंदे की कल भी वीडियो नहीं बनी है, आज भी नहीं बन रही। अरे पता है मुश्किल वाली, पता क्या, मैं 100 प्रैंक बना रहा हूँ। हाँ। मेरे को चाहिए ग्रैंड मास्टर का स्क्वाड आगे। हाँ। जब मैं ऐसे खेलता हूँ हर बार आता है ग्रैंड मास्टर का स्क्वाड, जिन जिनको समझ आ रहा है उनको समझ आ रहा है, ठीक है। हाँ फ्री फायर खेलते हैं बट कोई ना, अब साला आई नहीं स्क्वाड आगे भाई, क्या मतलब। तो ये बेचारा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, गेम खेल रहा है, कोई ना। तो आज जो हमारा 19-20 दिन के बाद फर्स्ट डे जिम का था, सही था, उसने क्या बना लिया चेंज सी, फर्स्ट डे जिम का था मतलब ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैं प्री वर्कआउट पी के गया था तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बाकी 2-3 दिन जिम करूंगा तो उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। एक सरप्राइज रखा है मैंने, सरप्राइज बाद में। और मेरा 1 से 1.5 किलो मेरा वेट कम हो गया है, मेरा 1 से 1.5 किलो कम हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कर लूंगा 10-15 दिन के अंदर अंदर में मैं वो गेन कर लूंगा वापस, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कुछ खाते पीते हैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से।